एक बार एक क्वेश्चन रेलवे संबंधी पूछा गया था मध्य प्रदेश बीसीएस एग्जाम में, और एक बार पूछा गया था यूपीएससी एग्जाम में। तो प्रश्न क्या था देखते हैं। भारत में रेलवे ने वही किया जो अन्यत्र कहीं किया, अर्थात इसने भारत के हस्तशिल्प उद्योग को यांत्रिक उद्योग में तब्दील कर भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण कर दिया। तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत करें। तो ये है क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ हमें सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी चाहिए, कभी भी अगर मेंस एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कभी भी अगर क्वेश्चन 3 लाइन का हो या 4 लाइन का हो, बड़ा हो, तो हमें उसका उत्तर लिखने के लिए उसको एक बार में पढ़कर एक साथ लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम उसका सही उत्तर नहीं लिख पाएंगे। हमें उस क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ना चाहिए। पहले हम यहाँ रेलवे शब्द को देखेंगे, और पहली लाइन जो है, भारत में रेलवे ने वही किया जो अन्यत्र कहीं किया, इसे हम पार्ट वन मान लेते हैं क्वेश्चन का। उसके बाद है, इसने भारत के हस्तशिल्प उद्योग को यांत्रिक उद्योग में तब्दील करा, इसको पार्ट टू मान लेते हैं। और उसके बाद है, भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण कर दिया, इसको हम पार्ट थ्री मान लेते हैं। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि तर्क सहित उत्तर प्रस्तुत करें। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हमें लॉजिक प्रेजेंट करना है, मतलब हमें लॉजिक प्रेजेंट करना है कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ था। ऐसा करते समय हमें क्वेश्चन के शब्दों पर जाना है, क्वेश्चन ने जो हमें कह दिया हमें उस पर अमल नहीं करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि औद्योगिकरण कर दिया गया, तो ये हमें बताना पड़ेगा तर्क सहित कि औद्योगिकरण किया गया है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले हमें इस लाइन का मतलब समझना जरूरी है। रेलवे ने वही किया जो अन्यत्र कहीं किया, इस लाइन का मतलब क्या है पहले इसे समझना जरूरी है। तो इस लाइन का मतलब है कि जब भी किसी देश में रेलवे चलती है या स्थापित होती है, तो रेलवे वहां पर औद्योगिकरण को बढ़ावा देती है, क्योंकि जहाँ रेलवे की स्थापना होती है वहाँ पटरियाँ, डिब्बे, इंजन, नट बोल्ट आदि कई प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है रेलवे को चलाने के लिए। इन सभी जरूरी सामानों की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि जब कहीं रेलवे लाइन बिछेगी और उस पर एक रेल चलेगी, तो वहाँ कम से कम 100 उद्योग की आवश्यकता होगी। मतलब यह हुआ कि इससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो अब यदि हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे का परिचालन ब्रिटिश सरकार का निश्चित रूप से एक आधुनिक कदम माना जाता है, लेकिन भारत में रेलवे ने वह नहीं किया जो अन्यत्र कहीं किया। जब भी किसी देश में रेलवे चलती है तो वहाँ औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है, जैसा कि ब्रिटेन में हुआ। जब ब्रिटेन में रेलवे की स्थापना हुई, तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण की गति और तेज हो गई, क्योंकि रेलवे ने अपने साथ साथ वहाँ अन्य उद्योगों को भी बढ़ावा दिया। परंतु भारत के संदर्भ में यह सत्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भारत में रेलवे संबंधी सभी सामग्रियां भारत में नहीं बनाई गई, बल्कि सारी जरूरत की वस्तुओं को ब्रिटेन से आयात किया गया। अर्थात डिब्बे, इंजन, पटरियां सभी भारत में मंगाए गए, इनके उद्योग को भारत में स्थापित नहीं किया गया। और इसलिए जब भारत में रेलवे से जुड़े मुख्य उद्योग ही स्थापित नहीं हुए,
तो उन उद्योगों से जुड़ने वाले अन्य उद्योग भी स्थापित नहीं हो पाए, जिसके कारण ही भारत में रेलवे के चलने से औद्योगिकरण नहीं हुआ, बल्कि भारत में रेलवे ने भारतीय अर्थव्यवस्था का भी औद्योगिकरण कर दिया। अब रेलवे ने भारतीय अर्थव्यवस्था का भी औद्योगिकरण किस प्रकार से किया, इसको भी समझिए। रेलवे ने कच्चे माल के निर्यात की गति को और बढ़ा दिया और अब रेलवे के माध्यम से ही कच्चे मालों को दूर स्थानों से बंदरगाहों तक लाया जाता था और इसी रेलवे के माध्यम से ही ब्रिटेन में तैयार मालों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता था। इसके कारण कच्चे माल की मांग और अधिक बढ़ गई और कच्चे मालों की मांग बढ़ने से भारत में कृषि पर भार बढ़ा और कृषि पर भार बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था का विद्युतीकरण हो गया। अर्थात कच्चे माल की मांग बढ़ने से भारत के हस्तशिल्प उद्योगों का भी पतन हो गया। इसलिए भारत में रेलवे के परिचालन से हस्तशिल्प उद्योगों को यांत्रिक उद्योगों में तब्दील नहीं किया जा सका, बल्कि हस्तशिल्प उद्योगों का भी पतन हो गया और कृषि पर भार बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था का विद्युतीकरण हो गया। विद्युतीकरण की वजह से ही गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी। इसलिए कथन सत्य नहीं माना जा सकता कि रेलवे ने भारत में वही किया जो अन्यत्र कहीं और किया, बल्कि इसने तो भारतीय अर्थव्यवस्था को विपरीत दिशा में ले जाकर उसका विद्युतीकरण कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर यह बनेगा और यह बेहतरीन उत्तर हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से इतने बड़े प्रश्न को यदि हम टुकड़ों में तोड़ दें तो हम अपना एक बेहतरीन उत्तर लिख सकते हैं। एक एग्जाम में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार से ब्रिटिश हथौड़े ने ही भारत को आजाद कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश सरकार भारत में जो आधुनिक कदम उठाएगी उससे भारतीय जागरूक होंगे और जैसे कि रेलवे की स्थापना व विकास होना, समाचार पत्रों का विकास होना, नई प्रकार की शिक्षा नीति का आना, नई न्यायिक व्यवस्था का आना, अंग्रेज ये सब अपने हितों के लिए लेकर आए थे, लेकिन इससे हम भारतीय जागरूक हो गए और जब हम जागरूक हो गए तो राष्ट्रीय आंदोलन चला और राष्ट्रीय आंदोलन चला तो हम भी आज़ाद हो गए। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश हथौड़े ने ही भारत को आजाद कर दिया। Thank you.